हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर हम इस चीज़ को इमेजिन करें कि 2024 में डिजिटल मार्केटिंग का जो डोमेन है उसकी कितनी वैल्यूज़ होगी, तो आज के वक्त में अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग का डोमेन जो है वो नेक्स्ट ईयर 170 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम मार्केटिंग की बात करें तो आज के वक्त में 60% से भी ज़्यादा जो एड्स हैं वो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग से होते हैं। जैसे कि आज के वक्त में लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फिजिकली कम हो गया है और डिजिटली ज़्यादा हो गया है। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में जानना है तो मैं यूट्यूब के ऊपर जाऊंगा, फेसबुक के ऊपर जाऊंगा, गूगल के ऊपर जाऊंगा, वहां पे जाके मैं चेकआउट करूंगा। सो गाइज, हम ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड को चूज करते हैं, उसकी स्किल्स को सीखने की कोशिश करते हैं, या कौन सी फील्ड में हमें आगे जाना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में रहते हुए, तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चंस हैं कि हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है बट कैसे सीखनी है, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए, कौन सी कोडिंग होनी चाहिए और कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना बेहतर होगा, तो इसके लिए आपको आज की ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। हेलो गाइज, मैं हूँ अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर एक तरफ बात की जाए कि लोग डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हैं, आप क्यों सीखना चाहते हैं, तो सिंपल इज दैट मैं आपको बताता हूँ कि आप इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि आज के वक्त में हर एक चीज़ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड हो गई है। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग है, अगर आपको कुछ सॉन्ग चाहिए, मूवी देखनी है, कार्टून देखने हैं, कोई आपने रेसिपी सीखनी है, तो आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, यानी कि वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग है। और फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा गौर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, यानी कि जो ओल्ड एज पर्सन हमारे घर में रहते हैं, यानी कि हमारे मॉम डैड हो जाते हैं या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर मदर हो जाते हैं, तो वो क्या यूज़ करते थे अपने टाइम में, वो टीवीज देखते थे, रेडियोज देखते थे, ठीक है, ऐसे ही या न्यूज़पेपर देखते थे। तो आज के वक्त में हम या वो अगर कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो डायरेक्ट जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, वहाँ पे जा करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एक सेलमैन है, उसने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो सिंपल इज दैट वो गलियों मोहल्लों में नहीं जाएगा, वो सिटीज़ में नहीं जाएगा, वो सिंपल जाएगा फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे जाकर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा, उसको ऐड पेड करेगा और कुछ पैसों में अपनी ऐड को हजारों लाखों लोगों तक वो पहुँचा देगा जो कि डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं, यानी कि आप, मैं और बहुत सारे बाकी। तो ये प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स के हिसाब से अपनी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। फ्रेंड, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होगी या कौन कौन सी स्किल्स के आपके पास ऑप्शंस होंगे जिनमें से आप एक स्किल को पकड़ के उसके ऊपर काम करके अपनी प्रोफेशनलाइजेशन उसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए होता है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर चल रही हैं उनकी बैकएंड पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी, उनको फर्स्ट पेज के ऊपर मूव करवाना, उनके जो पेजेस हैं ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, उनको मेंटेन करना और प्रॉपर वेबसाइट्स के अंदर इनरोल रहना। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाती है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, ऐसे बहुत सारी और भी मार्केट प्लेसेस हैं, उनके ऊपर भी अपनी स्किल्स जो हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी सर्विसेज देके। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग हो जाती है, ऐप्स हो जाती हैं, फ्रीलांसिंग हो जाती है, फ्रीलांसिंग में बहुत सारी स्किल्स होती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट होती है। और अगर फ्रेंड्स आप एक स्टूडेंट हैं तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में बहुत सारी आपको स्किल्स मिलेंगे जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इनमें से कोई भी स्किल्स आप पकड़ लें, उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज जो है उसको आप ग्रिप करें और अपनी स्कूल्स के एक्सपेंस, अपनी पॉकेट मनी उसको आप जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग या फाइवर इसको अपनी फ्यूचर जॉब बनाना चाहते हैं तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, अपनी एक टीम मैनेज कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर हाउस से मार्केटिंग करके आप बहुत सारे ऑर्डर्स ले सकते हैं, अपनी टीम से करवा सकते हैं और मिलियन डॉलर्स आप इजीली घर बैठे अपने ऑफिस से कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड वीडियोज डेली बेस के ऊपर अपलोड होते हैं। अपना ख्याल रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।